feminist news. Sach zaruri hai. नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे स्पेशल क्राइम शो में, जहां हम देखेंगे देश में होने वाले भयंकर जुल्मों को, जिससे आपको सबक लेने की और सजग रहने की सीख मिलेंगी। स्वागत है आप सभी का 10 की दस्तक में। तो आइए देखते हैं आज की सनसनीखेज वारदात। प्यार, बेवफाई और कत्ल, कातिल निकला एसएसपी का ड्राइवर, ऐसे अंजाम दी ट्रिपल मर्डर की खौफनाक वारदात। जमशेदपुर पुलिस लाइन में रहने वाले एक परिवार के तीन लोग पिछले 2-3 दिनों से अचानक कहीं गायब हो गए थे। हालांकि उनके घर में ताला लगा हुआ था, लेकिन फिक्र की बात यह थी कि बंद घर से तेज बदबू आ रही थी। आसपास के लोगों ने किसी अनहोनी के शक में पुलिस को इत्तला दी थी। झारखंड में जमशेदपुर के एक घर से 3 लोगों की लाश मिली। वो लाश एक लेडी कांस्टेबल, उसकी माँ और बेटी की थी। अब चूंकि कत्ल एक पुलिस वाली और उसके परिजनों का हुआ था, लिहाजा पुलिस फौरन कातिल की तलाश में जुट जाती है। मगर जब कातिल का चेहरा सामने आया तो पुलिस विभाग ही नहीं बल्कि खुद पुलिस कप्तान भी हैरान रह गए। जमशेदपुर पुलिस लाइन में रहने वाले एक परिवार के 3 लोग पिछले 2-3 दिनों से अचानक कहीं गायब हो गए थे। हालांकि उनके घर में ताला लगा हुआ था, लेकिन फिक्र की बात यह थी कि बंद घर से तेज बदबू आ रही थी। आसपास के लोगों ने किसी अनहोनी के शक में उस परिवार के नाते रिश्तेदारों को खबर दी और फिर पुलिस को इत्तला दी। आनन फानन में पुलिस मौके पर पहुंची। फ्लैट का ताला तोड़ा गया, लेकिन अंदर का मजा डराने वाला था। घर के अंदर 3 लाशें पड़ी थी। यहाँ रहने वाली पुलिस महिला पुलिस कॉन्स्टेबल सविता हेब्रम की, उसकी बुजुर्ग माँ लकिया मुर्मू की और उसकी 13 साल की बेटी गीता की लाश, लाशों के पास खून की धार बहकर सूख चुकी थी और लाशों को देखकर भी लग रहा था कि कत्ल 2-3 दिन पहले किए गए हैं। बहरहार पुलिस ने लाशों को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और मामले की छानबीन शुरू कर दी। चूंकि वारदात में मारी गई सविता का ताल्लुक खुद ही पुलिस महकमे से था, पुलिस को उसके बारे में जानकारी जुटाने में ज्यादा दिक्कतें नहीं हुई। सविता के पति की 14 साल पहले एक नक्सली हमले में मौत हो गई थी और पति के मौत के बाद ही उसे पुलिस की नौकरी मिली थी। सविता इन दिनों जमशेदपुर के एसएसपी ऑफिस के ऑफिस में ही तैनात थी। एसएसपी प्रभात कुमार के ड्राइवर रामचंद्र सिन्हा जामुदा से प्यार करती थी। हालांकि रामचंद्र सिन्हा जामुदा पहले से ही शादीशुदा था, लेकिन इसके बावजूद सविता के उसके साथ ना सिर्फ अच्छे रिश्ते थे बल्कि कई बार तो वो रात को सविता के फ्लैट पर ही रुक जाया करता था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इतना करीब होने के बावजूद रामचंद्र जामुदा को सविता की मौत की कोई खबर नहीं थी और वो सविता और उसके परिवार की मौत से बेखबर एक नॉर्मल लाइफ जी रहा था। एसएसपी के साथ ड्राइवर की ड्यूटी भी कर रहा था। पुलिस को इस बात पर थोड़ी हैरानी हुई। पुलिस ने जामुदा के मोबाइल नंबर की डिटेल निकाली। छानबीन हुई तो शक हुआ और गहरा हुआ। रामचंद्र 16 जुलाई से पहले लगातार सविता से फोन पर बात कर रहा था, लेकिन 19 जुलाई के बाद से दोनों की बातचीत अचानक बंद हो गई थी और एहतियात से यही वो तारीख थी जिसके बाद किसी ने सविता को नहीं देखा था। अब पुलिस ने बिना देर किए एसएसपी के ड्राइवर रामचंद्र जामुदा को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ शुरू कर दी। पहले तो रामचंद्र ने तमाम सच्ची झूठी कहानियां सुनाई, लेकिन बाद में उसने कबूल कर लिया कि ये तीनों कत्ल उसी ने किए थे। 19 जुलाई की रात को वो सविता के घर पहुंचा था। वही उसकी सविता से लड़ाई हुई, जिसके बाद उसने आधी रात पहले तो गाड़ी के लीवर से वार कर सविता की जान ली और फिर जब माँ की चीख सुनकर सविता की 13 साल की बेटी गीता उसे बचाने के लिए आई तो रामचंद्र ने उसी गिलर रिवर से वार कर गीता की भी जान ले ली और फिर आखिरकार सबूत मिटाने के लिए उसने
सविता की बुजुर्ग माँ को भी मार डाला। कत्ल के बाद रामचंद्र रात भर तीन लाशों के साथ ही फ्लैट में छिपा रहा। वो सुबह होने का इंतजार भी कर रहा था और इस मामले से बचने का भी। सुबह होते ही वो घर से निकला और उसने घर में रखी चाबी से ही फ्लैट को बाहर से लॉक कर दिया। इसके बाद वो खून से सना लीवर और अपने खून से सने कपड़े के साथ सीधे शहर के दो मुहाई इलाके में पहुंचा, जहां उसने नदी में नहाने के साथ ही अपने कपड़े बदले और फिर वहां से घर चला गया। हैरानी की बात यह रही कि सुबह कुछ देर बाद ही वो तैयार होकर फिर से अपनी ड्यूटी पर हाजिर हो गया और एसएसपी की गाड़ी चलाता रहा। हालांकि जब पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया तो उसने ना सिर्फ अपना जुर्म कबूल कर लिया बल्कि उसने निशानदेही पर कत्ल में इस्तेमाल किया गया लीवर और खून से सने कपड़े भी बरामद कर लिए। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर रामचंद्र सिंह जामुदा की अपनी गर्लफ्रेंड सविता से ऐसी क्या नाराजगी थी, दोनों के बीच उस रात लड़ाई क्यों हुई। तो जब जांच आगे बढ़ी तो इसका जवाब भी सामने आया। पुलिस के मुताबिक सविता की मुलाकात कुछ महीने पहले सुंदर डुड्डू नाम के एक दूसरे लड़के से हो गई थी और वो रामचंद्र से कटी कटी रहने लगी थी। उसकी सुंदर से लंबी बात होती थी। रामचंद्र को इस बात की खबर थी और वो सुंदर से पीछा छुड़ाने के लिए उसकी हत्या करना चाहता था। 19 जुलाई की रात को सुंदर सविता के घर आने वाला था और रामचंद्र वहां पहले से ही पहुंच गया था ताकि वो सुंदर की जान ले सके। लेकिन किसी वजह से सुंदर उस रात नहीं पहुंचा और रामचंद्र की सविता से सुंदर को लेकर लड़ाई शुरू हो गई, जिसके बाद एक एक कर उसे तीन कत्ल कर डाले। हैरानी की बात यह रही कि ये कत्ल एक ऐसे शख्स ने किया जो खुद पुलिस वाला था और वो भी जिले के सबसे बड़े पुलिस अफसर एसएसपी के साथ दिन भर साए की तरह रहता था, गनीमत जुर्म के मामले देखता था, उन्हें समझाता था, उसका अंजाम भी जानता था। लेकिन इसके बावजूद ना सिर्फ उसने तीन तीन लोगों की जान ले ली बल्कि कत्ल के बाद पुलिस की ड्यूटी करता रहा और एसएसपी समेत पूरे महकमे को भी गुमराह करता रहा। लेकिन वो कानून के हाथों से बच नहीं सका और पकड़ा गया। प्यार बेवफाई और कातिल निकला एसएसपी का ड्राइवर, ऐसे अंजाम दी ट्रिपल मर्डर की खौफनाक वारदात। जमशेदपुर पुलिस लाइन में रहने वाले एक परिवार के तीन लोग पिछले दो तीन दिन से अचानक कहीं गायब हो गए थे। हालांकि उनके घर में ताला लगा हुआ था लेकिन फिक्र की बात ये थी कि बंद घर से तेज बदबू आ रही थी। आसपास के लोगों ने किसी अनहोनी के शक में पुलिस को इतला दी थी। झारखंड में जमशेदपुर के एक घर से तीन लोगों की लाश मिली। वो लाशों एक लेडी कांस्टेबल, उसकी माँ और बेटी की थी। अब चूंकि कत्ल एक पुलिस वाली और उसके परिजनों का हुआ था, लिहाजा पुलिस फौरन कातिल की तलाश में जुट जाती है। मगर जब कातिल का चेहरा सामने आया तो पुलिस विभाग ही नहीं बल्कि खुद पुलिस कप्तान भी हैरान रह गए। जमशेदपुर पुलिस लाइन में रहने वाले एक परिवार के तीन लोग पिछले दो तीन दिन से ही अचानक कहीं गायब हो गए थे। हालांकि उनके घर में ताला लगा हुआ था लेकिन फिक्र की बात ये थी कि बंद घर से तेज बदबू आ रही थी। आसपास के लोगों ने किसी अनहोनी के शक में उस परिवार के नाते रिश्तेदारों को खबर दी और पुलिस को इतला दी गई। आनन-फानन में पुलिस मौके पर पहुंची, फ्लैट का ताला तोड़ा लेकिन अंदर का मंजर डराने वाला था। घर के अंदर तीन लाशें पड़ी थी। यहाँ रहने वाली पुलिस महिला कांस्टेबल सविता हेमरम की, उसकी बुजुर्ग माँ लकिया मुर्मू और उसकी 13 साल की बेटी गीता हेमरम की लाश थी। लाशों के पास खून की धार बहकर सूख चुकी थी और लाशों को देखकर भी लग रहा था कि कत्ल दो से तीन दिन पहले की गई। बहरहाल पुलिस ने लाशों को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और मामले की छानबीन शुरू कर दी। चूंकि वारदात में मारी गई सविता हेमरम का ताल्लुक खुद ही पुलिस महकमे से था, पुलिस को उसके बारे में जानकारी जुटाने से ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। सविता के पति की 14 साल पहले एक नक्सली हमले में मौत हो गई थी और पति के मौत के बाद उसे पुलिस की नौकरी मिली थी। सविता इन दिनों जमशेदपुर के एसएसपी ऑफिस में ही तैनात थी। एसएसपी प्रभात कुमार के ड्राइवर रामचंद्र सिंह जामुदा से प्यार करते थे। हालांकि रामचंद्र सिंह जामुदा पहले से ही शादीशुदा था लेकिन इसके बावजूद सविता के उसके साथ न सिर्फ अच्छे रिश्ते थे बल्कि कई बार तो वो रात को सविता के फ्लैट पर ही रुक जाया करता था। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि इतना करीब होने के बावजूद रामचंद्र जामुदा को सविता की मौत की कोई खबर नहीं थी और वो सविता और उसके पूरे परिवार की मौत से बेखबर एक नॉर्मल लाइफ जी रहे थे। एसएसपी के साथ ड्राइवर की ड्यूटी भी कर रहा था। पुलिस को इस बात पर थोड़ी हैरानी हुई। पुलिस ने जामुदा के मोबाइल नंबर की डिटेल निकाली,
छानबीन हुई तो शक और गहरा गया। रामचंद्र 19 जुलाई से पहले लगातार सविता से फोन पर बात कर रहा था, लेकिन 19 जुलाई के बाद से दोनों की बातचीत अचानक बंद हो गई थी और इत्तेफाक से ये वही तारीख थी जिसके बाद किसी ने सविता को कहीं नहीं देखा। अब पुलिस ने बिना देर किए एसएसपी के ड्राइवर रामचंद्र जामुदा को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ शुरू कर दी। पहले तो रामचंद्र ने तमाम सच्ची झूठी कहानियां सुनाई, लेकिन बाद में उसने कबूल कर लिया कि ये तीनों कत्ल उसी ने किए थे। 19 जुलाई की रात को वह सविता के घर पहुंचा था, वहीं उसके सविता से लड़ाई हुई, जिसके बाद उसने आधी रात पहले तो गाड़ी के लीवर से वार कर सविता की जान ले ली और फिर जब मां की चीख सुनकर सविता की 13 साल की बेटी गीता उसे बचाने के लिए आई तो रामचंद्र ने उसी गियर लीवर से वार कर गीता की भी जान ले ली और आखिरकार सबूत मिटाने के लिए उसने कविता की बुजुर्ग माँ को भी मार डाला। कत्ल के बाद रामचंद्र रात भर तीन तीन लाशों के साथ ही फ्लैट में छुपा रहा। वह सुबह होने का इंतजार भी कर रहा था और इस मामले से बचने का भी। सुबह होते होते वह घर से निकला और उसने घर में रखी चाबी से फ्लैट को बाहर से लॉक कर दिया। इसके बाद वह खून से सना गियर लीवर और अपने खून से सने कपड़े शहर के दो मुहानी इलाके में पहुंचा, जहां उसने नदी में नहाने के साथ ही अपने कपड़े बदले और वहां से घर चला गया। हैरानी की बात यह रही कि सुबह कुछ देर बाद ही वह तैयार होकर फिर से अपनी ड्यूटी पर हाजिर हो गया और एसएसपी की गाड़ी चलाता रहा। हालांकि जब पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया तो उसने न सिर्फ अपना जुर्म कबूल कर लिया बल्कि उनकी निशानदेही पर कत्ल में इस्तेमाल किया गियर लीवर और खून से सने कपड़े भी बरामद कर लिए। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर रामचंद्र सिंह जामुदा की अपनी गर्लफ्रेंड सविता से ऐसी क्या नाराजगी थी, दोनों के बीच उस रात लड़ाई क्यों हुई। तो जब जाँच आगे बढ़ी तो इसका जवाब भी सामने आया। पुलिस के मुताबिक सविता की मुलाकात कुछ महीने पहले सुंदर टूडू नाम के एक दूसरे लड़के से हो गई थी और वो रामचंद्र से कटी कटी रहने लगी थी। उसके सुंदर से लंबी बात होती थी। रामचंद्र को इस बात की खबर थी और वो सुंदर से पीछा छुड़ाने के लिए उसकी हत्या करना चाहता था। 19 जुलाई की रात को सुंदर सविता के घर आने वाला था और रामचंद्र वहाँ पहले ही पहुँच गया था ताकि वह सुंदर की जान ले सके, लेकिन किसी वजह से सुंदर उस रात नहीं पहुँचा और रामचंद्र की सविता से सुंदर को लेकर लड़ाई शुरू हो गई, जिसके बाद एक एक करके उसने तीन कत्ल कर डाले। हैरानी की बात यह है कि कत्ल ऐसे शख्स ने किया जो खुद पुलिस वाला था और वो भी जिले के सबसे बड़े पुलिस अफसर एसएसपी के साथ दिन भर साये की तरह रहता था, अनगिनत जुर्म के मामले देखता था, उन्हें समझता था, उसका अंजाम भी जानता था, लेकिन इसके बावजूद न सिर्फ उसने तीन तीन लोगों की जान ले ली बल्कि कत्ल के बाद पुलिस की ड्यूटी करता रहा और एसएसपी समेत पूरे महकमे को भी गुमराह करता रहा, लेकिन वो कानून के हाथों से बच नहीं सका और पकड़ा गया। देखा दर्शकों कैसे प्रेम प्रसंग में एक युवक ने एक महिला, उसकी माँ और उसकी बेटी का कत्ल कर दिया। महज मामूली विवाद के चलते एक प्रेमी ने ही अपनी प्रेमी, उसकी माँ और बेटी की निर्मम तरीके से हत्या कर दी। हमारे इस शो में इसी तरह के जुर्म से सतर्क रहने की और सावधान रहने की प्रेरणा देते हैं। ऐसी और सनसनीखेज वारदात और क्राइम स्टोरीज देखने के लिए देखते रहे 10 की 10 तक और जुड़े रहे MNS न्यूज के साथ, क्योंकि सच जरूरी है। नमस्कार।